नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइंस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी गाड़ी की बैटरी को चेक कर सकते हैं, और साथ ही में आपको मैं एक सही बैटरी और ख़राब बैटरी का कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा। तो आपको अपनी बैटरी को चेक करने के लिए एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको इसे जो वो 20 वोल्ट DC पे सेट कर लेना है। देन आपको जो इनकी प्रोब्स को पॉजिटिव को पॉजिटिव पे और नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे लगाना है। आपको इनकी जो है वो वोल्टेज चेक करनी है सबसे पहले अपनी बैटरी की। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस वक्त हमारी जो बैटरी है उसकी वोल्टेज 12.40 है, और ये जो एक अच्छी बैटरी है उसकी वोल्टेज हमेशा 12.40 से 12.60 तक होती है। और अगर आपकी बैटरी की वोल्टेज 12 प्लस भी है तब भी सही है, अगर ये इससे डाउन है तो आपको अपनी बैटरी जो है वो चार्ज करनी पड़ेगी। और बैटरी की वोल्टेज जो है वो 12 प्लस होने का मतलब ये नहीं है कि वो बैटरी आपकी सही है। जब तक आप इसे क्रैंकिंग पे नहीं, इसके ऊपर लोड नहीं डालते, तब तक आपको ये पता नहीं चलता कि आपकी बैटरी सही है या नहीं। अब हम क्या करेंगे कि अपनी जो गाड़ी है उसे क्रैंक करने जाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ड्रॉप तो नहीं होती है। अगर आपकी गाड़ी में जो बैटरी है उसकी वोल्टेज 10 वोल्ट से ड्रॉप हो जाती है तो इसका मतलब आपकी बैटरी जो वो ख़राब है, और अगर ये 10 प्लस पे रहती है जब आप इसे क्रैंक करेंगे तो आपकी बैटरी जो बिल्कुल सही है। तो अभी मैं आपको जो वो गाड़ी अंदर से क्रैंक करके दिखाता हूँ, और साथ में आपको जो रीडिंग दिखाता हूँ कि क्या रीडिंग आती है। अभी मैं गाड़ी का जो वो आपको क्रैंक करके दिखाता हूँ। तो अभी हम इसे जो वो स्टार्ट पोजीशन पे ले आए हैं, आप देख सकते हैं कि सभी लाइट्स जो है वो ऑन हो चुकी हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी जो वो मैं अभी क्रैंक कर रहा हूँ, और साथ ही मैं वो देखिए जो वोल्टेज है वो बिल्कुल ही डाउन जा रही है। 10 तो दूर की बात है, ये तो बिल्कुल 3 या 4 वोल्टेज के आसपास रह रही है। इसका मतलब हमारी जो ये बैटरी है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो बैटरी है वो 12 प्लस वोल्टेज दिखा रही है, और इस तरह से आपको जब आप क्रैंक करते हो तो वो बिल्कुल डीप भी चली जाती है। तो ऐसे में कई बार हमारी जो बैटरी है वो डीप डिस्चार्ज भी हो जाती है, तब भी ऐसा ही आपको जो वो रीडिंग आती है। लेकिन मेरे केस में ये मेरी जो बैटरी है ये बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मैंने इसे जो वो चार्ज किया है, मैंने इसे जो एक डीप डिस्चार्ज बैटरी सोचा था, और इसे जो वो 4 घंटे तक चार्जिंग पे लगा रखा था। उसके बाद मैंने इसे जो है 12 घंटे चार्ज किया, लेकिन इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी जो वोल्टेज है वो 12 प्लस पे ही आ रही है, लेकिन जो जब हम इसे क्रैंक कर रहे हैं तो इसकी जो वोल्टेज है आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल जो वो 3 या 4 वोल्टेज तक पहुँच रही है। तो हमारी ये जो बैटरी है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अभी मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये बैटरी जो है वो कितनी साल पुरानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैटरी के ऊपर जो यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है, और इसके ऊपर जो वो डेट लगी रहती है, क्योंकि एक एक क्वालिटी का स्टिकर है। अगर आप पढ़ पा रहे हो इसके ऊपर 16, 10, 14, ये मेरी जो गाड़ी है वो 2014 का मॉडल है, और उसी टाइम पे इसके ऊपर जो वो डेट छपी हुई है 16, 10, 14 की। कोई भी बैटरी जो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो वो 4 साल तक चलती है, 3 से 4 साल तक, लेकिन ये बैटरी जो 6 साल निकाल गई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी हम जो एक नई बैटरी इस बैटरी की जगह डालेंगे, मैंने जो एक नई और ठीक बैटरी इसमें डाल दी है। तो अभी हम इसके भी जो वो सिमिलर बेस से चेक करेंगे, और आपको जो साथ में ये भी कंपैरिजन भी पता चल जाएगा कि हमारी जो ख़राब बैटरी है और ठीक बैटरी है उसकी रीडिंग्स कैसे आती हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारी बैटरी की वोल्टेज जो पूरी है 12.56, इतनी ही इसकी 12 प्लस होनी चाहिए। और अभी हम इसे जो वो क्रैंक करके भी चेक करेंगे कि इसकी वोल्टेज कितनी डाउन जाती है। आपको जो क्रैंकिंग का एक अच्छा आइडिया मिल जाए जब मैं इसे क्रैंक करूं, तो हमें पूरी प्रॉपर वोल्टेज का ड्रॉप का पता चल जाए, इसलिए मैं अपनी गाड़ी को जो वो स्टार्ट होने से रोकना चाहता हूं। और इसके लिए मैंने जो एक रिले को निकाल दिया है ताकि हमारी गाड़ी स्टार्ट ना हो और हमें प्रॉपर जो रीडिंग जो मिल जाए। अभी मैं गाड़ी में आ गया हूँ और इसे जो क्रैंक करके आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैंने गाड़ी को जो वो ऑन पोजिशन पर कर लिया है, आप डैश की जो वो लाइट्स ऑन देख सकते हैं, और साथ ही में आप यहाँ पर जो वो रीडिंग चेक कर सकते हैं। इस वक्त 12.49 है, और इसे जो मैं अभी क्रैंक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं गाड़ी को क्रैंक कर रहा हूँ तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 11 पॉइंट समथिंग है, देखिए 11.33 या 11.23 के आसपास रह रही है। मतलब हमारी जो वोल्टेज है वो 10 से नीचे नहीं जा रही है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी एक सही बैटरी और ख़राब बैटरी जो है वो उसकी जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कहाँ तक जाती है। तो इस टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो ये बैटरी है ये बिल्कुल सही है। आप ही अपनी गाड़ी की बैटरी को इस तरह से चेक कर सकते हैं कि वो ठीक है या ख़राब है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।